बम्बई शहर के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य की खोज के बारे में अनादिकाल से इस देश में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस भारतवर्ष की जो भूमि है, इस भूमि में बहुत से आशीर्वाद छिपे हुए हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है कि आप जब घर से निकलते हैं, आपको जैसे लंदन में हमें लबादे पे लबादे लादने पड़ते हैं और निकलने से पहले 15 मिनट तैयार होना पड़ता है, ऐसी कोई आफत नहीं। बाहर आते ही प्रसन्न, ऐसी सुंदर प्रचंड हवा बहती रहती। यहाँ एक इंसान जंगलों में भी, पहाड़ी में भी, झरनों के पास, नदियों के किनारे बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकता है। यह हालत किसी भी देश में इतनी अच्छी नहीं, या तो देश बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडे हैं। अतिशयता की प्रकृति होने की वजह से वहां पर लोगों को हर समय प्रकृति से झगड़ना पड़ता है और यह संग्राम करते करते लोगों की वृत्ति आक्रमण करने वाली हो जाती है, आक्रमणकारी हो जाती है। जब पहली मर्तबा मैं लंदन गई थी तो मैं सोचती थी कि यहाँ कोई प्रकोप है परमात्मा की, कोई शाप है कि आप बाहर एक मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, शुद्ध हवा आप एक मिनट भी नहीं ले सकते। घर से निकलिए तो बंद मोटर में बैठिए दौड़कर, और फिर जहां भी जाइए वहां से फिर दौड़कर आप घर में घुस जाइए। कभी भी प्रचंड इस प्रकृति का मनोरम आस्वाद लेने की कोई सी भी व्यवस्था वहां नहीं है। शायद इस वजह से एक माँ की दृष्टि से मैं दोष प्रकृति को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर कहीं भी हो मानव परमात्मा के ही पुत्र हैं। इस दोष की वजह से हो सकता है कि मनुष्य एक दूसरे से वहां बड़ा कटा रहता है, और इस वजह से वहाँ की प्रकृति में क्या दोष है इसी के ओर मनुष्य की दृष्टि रहती है। इतना ही नहीं कि इस आक्रामक प्रकृति को किस तरह से आक्रमण से जीता जाए, ये प्रवृत्ति सहज में ही उनके बर्ताव में, उनके विचार में पूरी तरह से दिखाई देती है। ना वहाँ कोई नदी में नहा सकता है, नदी इतनी ठंड होती है नदी में कि गंगाची से भी ज़्यादा वहाँ ठंडक होती है, और उसके बाद अगर वहाँ से आप कहीं से नदी में नहा ही लिए गलती से तो उसके बाद आपको ऐसी बीमारियाँ हो जाएंगी जिससे आप जिंदगी भर के लिए जकड़ जाए। जब कोलंबस अमेरिका ढूंढने निकले थे, परमात्मा की असीम कृपा से, मेरे ख्याल से हनुमान जी ने कृपा की कि वो उधर अमेरिका चले गए और इधर नहीं आए। अगर यहाँ आ जाते तो ना हम रहते ना सहयोग, वहाँ सबको खत्म कर दिया इन लोगों ने, एक एक आदमी को चुन चुन के मार डाला। और अब जब मैं वहाँ गई थी और अर्जेंटीना में, पेरू में, उससे भी ज़्यादा
न्यूयॉर्क आदि किसी भी देश में। मैंने पूछा कि भाई यहाँ के आदि लोग कहाँ हैं, आदिवासी? उन्होंने कहा बस अब म्यूजियम में है, बाकी तो सब खत्म कर डाले। वही हाल हम लोगों का होता है, सोचिए अगर कोलंबस महाराज यहाँ पहुँचते तो। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि वो जमीन के खोज में वहाँ गए, लेकिन सत्य के खोज में लोग हिंदुस्तान आए, क्योंकि सत्य इसी संसार में, इसी पृथ्वी में अगर खोजना है तो वो भारतवर्ष में छिपा। लेकिन हम लोगों की दृष्टि बाहर है। कल जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी जो क्रिया शक्ति है जब वो ऊर्ध्वगामी होती है तभी वो जड़ों तक पहुंच सकती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही कहा हुआ है कि हमारी जो चेतना की या हमारी जो कार्य पद्धति है उससे बढ़ने वाली हमारी जो चेतना है वो नीचे की तरफ अधोगति में जाती है, और ऊर्ध्वगति में जाने से ही हम अपने जड़ों में पहुंच सकते हैं। और आपसे मैंने कल बताया कि वो जड़ें इसी देश में, इसी भारतवर्ष में हैं, और हम लोग इन अधोगति में जाने वाले लोगों के पीछे आँख बंद करके सीधे चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी मैं देखती हूँ वहाँ के मीडिया तो बहुत ही खराब है, वो तो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते, और सहयोग तो उनकी खोपड़ी पे से चलाया। आत्म साक्षात्कार नाम की चीज़ वो समझ ही नहीं सकते, उनसे बात करना ही बेकार है। वो कहावत है ना कि उल्टे घघरी पर पानी डालने से फायदा है। लेकिन आज यहाँ का भी हाल वही हो रहा है कि यहाँ के भी हमारे जो लोग अखबार वाले हैं या और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि कुछ बात कहें, वो भी विदेशियों के ढंग से कहते हैं। जैसे हर एक आदमी के ऊपर हावी रहो, हर एक आदमी को आप बुरा भला कहो, जो आदमी आपको पैसा दे दे उसके बारे में आप हजार बार लिखो, और जो आदमी के पास पैसा नहीं उसके बारे में कुछ मत। अधिकतर ये हो रहा है। शुरू में जब सहयोग हमने शुरू किया था तो लोगों ने हमसे कहा कि आप अगर वोल्गा रेस्टोरेंट में हमको खाने को दीजिएगा और वहाँ रात का नाच दिखाइएगा तो हम आप पे दो कॉलम लिखेगा। हमने कहा मेहरबानी करके आप एक लाइन भी मत लिखिए, मेहरबानी कर। और वही अखबार रात दिन हम लोग पढ़ते हैं, इस अखबारों में इस तरह की बातें लिखी जाती है जिसके पीछे वो मन है, वो विचारधारा है जो विदेशी। मेरे विदेशी विचारधाराओं से मुझे कोई लेना देना नहीं लगता, लेकिन वो जो विदेशी विचारधाराएं हैं उससे उनका क्या भला हुआ ये तो कम से कम जाके देखना चाहिए। एक आदमी अगर गड्ढे में जाके गिरा है तो ये तो जाके देखना चाहिए कि वो गड्ढे में है कि ऊपर, ऊपर की जो कुछ भी ताम झाम है उनका, उससे हम लोग इस तरह से अभिभूत हो जाते हैं कि हम उसी तरफ अपनी नज़र किए हुए हैं, और वहाँ आपको सत्य नहीं मिल सकता। सत्य इस देश में है और इसी देश में आपको सत्य मिलेगा, लेकिन आपका खोजने का तरीका आपको बदलना होगा। सत्य आपके बुद्धि से जाना जाता है, ऐसा बहुत लोगों का विचार है, लेकिन बुद्धि बहुत सीमित है, वो सत्य को जान नहीं सकता। जब बुद्धि को मनुष्य इसी तरह से अपने विचारों को बढ़ाता है, जिसे हम कहें कि मेंटल प्रोजेक्शन करता है, अपने मस्तिष्क को इस तरह से दौड़ाता है, तो वो अपनी ही एक चीज़ बना करके और संसार के सामने एक कोई बड़ा भारी प्रमाण की तरह से, आइडियोलॉजी की तरह से सामने रखता है। आप शायद इतना सफ़र न किए हों जितना मैंने किया। मैं रशिया गई हूँ, चाइना गई हूँ, अमेरिका गई हूँ, हर दुनिया की आइडियोलॉजी को मैंने देख लिया, ईरान गई हूँ, कोई दुनिया का देश नहीं हुआ जो मैंने देखा नहीं। और मैंने एक ही बात पाई कि हर जगह आदमी मस्तिष्क से कोई चीज़ निकाल करके खड़ा कर देता है और यही सबसे बड़ी चीज़ है ऐसा समझ करके उसके पीछे लग जाता है, और फिर वही भूत बन के उसे खा लेता है। तो सत्य को जानने की इच्छा उसी को हो सकती है जो इसका शिकार हो चुका है, जिसने उस अधोगति की सड़न को, उसकी कुचलाहट को बर्दाश्त किया, जिसकी आत्मा उसमें कुम्हलाई है, वही इसको महसूस करता है। हम लोग उसे इसलिए नहीं महसूस कर सकते क्योंकि हम लोग तो हर समय अब वही सोचते हैं जो वो कर, जिस रास्ते से गुजर के वो गिर गए उस रास्ते की कोई साखरी गली भी होनी चाहिए जिसको हमें अपनाना चाहिए।
सत्य को जानने के लिए यह बुद्धि पर्याप्त नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए पहले बात अपने बुद्धि से ये जान लेना चाहिए कि अनादि काल से हमारे देश में जो बड़े बड़े संत साधु हो गए, जो बड़े बड़े अवतरण हो गए, उन्होंने जो जो बातें कह दी वो क्या सब झूठे थे? उन्होंने क्या सब गलत बात कही? उन्होंने हर जगह कहा कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो क्या वो लोग गलत थे? हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत से लोग चोर होते हैं। अब चोर तो अपने देश में इतने चोर हो गए कि मेरे समझ नहीं आता है कि चोर कौन है और सिपाही कौन है। और चोर बन करके वो लोग सबका पैसा खाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, बेचारों को सबको लूटा लाटा है, बहुत परेशान करते हैं। पर कोई एक तो सच्चा आदमी होना चाहिए, कोई तो एक सच्चाई से बात कर रहा है, लेकिन उसके समर्थक कहाँ हैं? वो तो समर्थक उसी चोर के होंगे, क्योंकि वो चोर उनको पैसा देता है। जो जो ऐसे ऐसे साधु यहाँ हो गए, उनके बारे में अपने अखबारों में इतना ज्यादा लिखा गया था कि लोग अभिभूत हो गए। उसके बाद बाहर जाकर के वो शहंशाह बन के घूम रहे थे, और उन्होंने रोल्स रॉयस से खरीदी, ये खरीदा, वो करा, और इस चीज से सब दुनिया अभिभूत थी कि वाह साहब कैसा है, इन्होंने अच्छा इनको बुद्धू बना के रखा होगा। लेकिन सत्य जो है ये हमारे अंदर निहित है। सत्य को हमें अपने मज्जा तंतु पे जानना है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना है। जैसे ये चीज ठंडी है या गर्म है, ये जिस तरह से हम जानते हैं उसी तरह से हमें सत्य को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जानना है, माने जिसे हम कहते हैं कि ये हमें विदा होना चाहिए, इसका बोध होना चाहिए। बोध का मतलब ये नहीं कि हमने किताब जाके पढ़ी। संत तुकाराम ने कितनी किताबें पढ़ी, ज्ञानेश्वर जी वो तो इतनी छोटी उम्र में ही समाधि प्राप्त कर गए। हमारे यहाँ कौन से साधु संतों ने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली थी? और जो डिग्री लेते हैं उनमें से कितने साधु संत हुए, वो यही डिग्री लेकर आते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जब वो कोई डिग्री वाला साधु संत हो गया तो समझ लो सबकी हालत खराब होने वाली। सो समझना ये चाहिए कि सत्य को जाने से पहले हमें नम्रता में उतरना चाहिए। अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना, हमने जो अभी तक जाना है वो दूसरों की लिखी हुई बातें, दूसरों की पढ़ी हुई बातें, जो चार लोगों ने बता दिया वो जानते हैं, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये बताया, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ नहीं जाना। हमारी जो मज्जा संस्था है उस पर हमने कुछ नहीं जाना, उसका हमें अनुभव नहीं आया। एक तो इस नम्रता पर हम आए कि फिर हम जिस सत्य को जानते हैं वो सत्य बड़ा अधूरा सा है। सत्य में जो आप साइंस में जानते हैं वो वहां है, इसलिए आप जानते हैं, नहीं तो आप क्या जानिएगा कि कार्बन में चार वैलेंसीज होती है, ये आप देखते हैं इसलिए आप कहते हैं कि वहां है। इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात हो गई? जो है वही ना बता रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आप अनजान, उसकी ओर अगर आपको दृष्टि करनी है तो नम्रतापूर्वक आपको जानना चाहिए कि अभी बहुत कुछ जानने का है। और जानना शब्द भी जो है ये ज्ञ से आया है, ज्ञ से आया है, इसका मतलब है हमारे मज्जा संस्था में उसकी प्रचीति होनी चाहिए। इसको मराठी में जानी शब्द है। इस बात को आप समझ लीजिए कि अपने बुद्धि के जो आप हथकंडे घुमा रहे हैं या उसी से जो कुछ डोरे निकाल निकाल करके सारी दुनिया को नचा रहे हैं, उसमें आप भी नाच जाइएगा, आपके बच्चे भी नाच जाइएगा, और सारी दुनिया नाचती रहेगी और कुछ फायदा नहीं। सत्य को जानना चाहिए या आप नम्रतापूर्वक पहले अपने अंदर स्थित कर लो। आप कुछ भी हो, जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं, तब तक
हमारी नजर में आप अनजान हैं। आत्मा का जब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं है, तब तक आपके पास वो अंतर्दृष्टि आई नहीं जिससे आप हमारे रंग को या कबीर के लाल रंग को समझ नहीं पाए। मेरे लाल की लाली इत देखूं तित लाल, मैं गई देखन लाली हो गई लाल, मैं ही हो गई लाल। कौन सा लाल रंग था वो, किसकी बात कर रहे थे? ऐसे रंग रंगो रंग रे जो लाल लाल कर दीनी, वो लाल किसी को दिखाई देता है क्या? और कबीर दास जी को जो हमने सदुकड़ी भाषा और आदि कह करके उनको इतना नीचा गिरा दिया, और उनके इतने गहन तत्व हमने इस तरह से निचोड़ करके उसको खत्म कर दिया कि वो एक दलित वर्ग के कवि थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लंदन में रैदास जी का और कबीर दास जी का उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया है, और इस जगह इतनी बड़ी विभूति हो गई और हमने उसे जाना, और बैठे बैठे बुद्धि से हम ये निकाल रहे हैं कि जो दर्जी बनकर के नामदेव थे, क्या वही नामदेव गुरु नानक से मिले थे? या ये निकाल रहे हैं कि जिन्होंने विवेक चूड़ामणि नाम की इतनी सुंदर तत्ववेत्ता पूर्ण, इसे कहना चाहिए, पुस्तक लिखी, ऐसे महान, ये तो बुद्धिवादियों को यही महान लगता है जिसमें वो चक्कर गिन्नी घुमाए, और उन्होंने इतनी ऐसी बात कैसी लिख दी जो सौंदर्य लहरी में है कि माँ की तुम स्तुति करो बस और कुछ करो नहीं। तो ये दो आदमी हो सकते, एक नहीं हो सकता। ये हमारे अक्लमंद जो लोग हैं उन लोगों ने ये बातें ला के रख दी, ये सत्य को कैसे खोज सकते? ये अहंकार का अन्वेषण है, अहंकार की ये छलक ही नहीं पर पूरे तरह से आक्रमण है अपनी समाज पर, जहां पर कि एक अहंकारी अपने दिमाग में कोई बात सोच लेता है, और क्योंकि उसको लिखना पढ़ना आता है या वो बड़ा भारी प्रोफेसर है या टीचर है या बोल सकता है भाषण दे सकता है, लोगों पर छापता है। यहाँ ऐसे बहुत सारे तत्ववेत्ता हैं। एक हमने परसों सुने कि वो जा करके सब मारवाड़ी लोगों में जा करके बहुत ज्यादा रुपया कमा रही हैं, और उनको लोग बड़ा तत्ववेत्ता समझते हैं, और वो गरीब लोगों से बताती हैं कि देखो भाई गरीबी ठीक है, कोई हर्जा नहीं, ये तो पूर्व जन्म के कर्म से तुम पा रहे, और आप किस पूर्व जन्म के कर्म से ये कर्म कर रहे हैं, और आपका अगला जन्म क्या होगा? तो बुद्धि के तत्व में सबसे बड़ी जो चीज, जो महत्वपूर्ण घनी बात है वो एक ही है कि हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तभी हम सत्य को जानते हैं। अब धर्म का मतलब हम लोग ये समझते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाने धर्म, ये वो, ये धर्म है ही नहीं, कैसे हो सकते हैं बताइए आप? जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, हिंदू धर्म में तो कहा है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास, फिर आपने जातीयता कैसी बनाई? जब आपके धर्म में व्यास और वाल्मीकि जैसे लोग ब्रह्मर्षि कहलाए जाते हैं, फिर आपने जातीयता बनाई कैसे कि जन्म से ही आदमी धर्म को प्राप्त होता है? ब्रह्म को जानने वाला ही जब ब्राह्मण होता है तो आपने जातीयता बनाई कैसे? आज जातीयता के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं, इसको निकालने का तरीका बुद्धि से नहीं हो सकता, इसके लिए सत्य को प्राप्त होना पड़ेगा। जब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपके अंदर की जातीयता जा नहीं सकती। सत्य को प्राप्त होने के लिए दूसरी बात है कि धर्म में खड़ा होना पड़ता है। धर्म में खड़ा होना क्या होता है इसके लिए समझने की बात है। दो उदाहरण हम देंगे, एक श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को लोग सोचते हैं कि उन्होंने अहिंसा सिखाई, हाँ सिखाई तो है अहिंसा, वो गरीबों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो त्रस्त है, लेकिन जो दुष्ट है उनके लिए अहिंसा नहीं सिखाई, उनके लिए हिंसा सिखाई है। जिस वक्त कर्ण का पैर रथ के चक्के में फंस गया था और उनके ऊपर अर्जुन ने अपना गांडीव पकड़ा था,
तो कर्ण ने उनसे कहा कि देख तू भी वीर है, मैं भी वीर हूँ, और मुझे क्षत करने का तुझे अधिकार नहीं, जबकि मैं सशस्त्र नहीं। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तेरी वीरता कहाँ गई थी, मार। कृष्ण को लेकर के जो अहिंसा की बात करते हैं वो इसमें का भेद नहीं जानते। कहा जाता है हंसा श्वेता बका श्वेता को भेदो बक हंस यहो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका। उसका विवेक जब तक आपके अंदर आएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते धर्म क्या। जिस वक्त ईसा मसीह जो कि साक्षात अत्यंत पवित्र ओंकार स्वरूप अवतरण थे, एक वेश्या को देखते हैं कि उसको पत्थरों से मारा जा रहा, उनका किसी वेश्या से क्या मतलब हो सकता है। वो जा करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम में से जिसने कुछ भी पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे, मुझे मुझे पत्थर मारे। और सब ने अपने पत्थर मारे, क्योंकि वो जो अधिकार सत्य का उनके अंदर था उसके आगे चलना कठिन बात है। समझने की कोशिश करें, आज हमारे देश में व्यक्तित्व नहीं चरित्र नहीं है, हम लोग रो रहे हैं चरित्रहीन दुर्बल निर्बल एक तरह से गुलामी लिए हुए इस पैसे के पीछे में चाहे जो करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ये जाना नहीं धर्म क्या होता है। जब आपके पास पैसा नहीं है ठीक है, इसलिए गरीबों का पैसा लूटने की जरूरत नहीं। और अगर आप ही खुद, जैसे मैंने कल कहा आपसे कि आप शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं और यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा दीजिए, काहे के लिए शराब ज्यादा पीने की। धर्म में आने का मतलब ये होता है कि एक संतुलन में रहना, एक मध्य भाग में रहना, इसको कि मॉडरेशन कहना चाहिए। जैसे इंसान हर एक चीज में अति पर चला जाता है, उस अति से छूट कर बीचों बीच खड़ा रहना ये धर्म। अनेक धर्म बताए गए हैं, ये हमारे अंदर जो सद्गुरु हो गए उन्होंने बनाए। स्त्री धर्म, स्त्री धर्म दो ही तरह के मैंने अपने देश में देखे, या तो आदमियों के जूते खाइए और या तो आदमियों को जूते मारिए, बीच में कोई चीज दिखाई नहीं देती। या तो सीता जी को एक धोबी घर से निकाल देता है और या तो कोई ऐसी औरत या कोई आकर के सारे लोगों की नाक कटा देती। पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ये सारे रिश्तेदारी के धर्म हैं। राष्ट्र धर्म, विश्व धर्म, ये सबसे हम परिचित हैं। अपरिचित हम नहीं, लेकिन हम अनहोनी कर जाते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जो बिल्कुल अनहोनी है कि हम उस धर्म को जानते हुए भी वो नहीं करते। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारे प्रदेश के लोग हैं ये उसे जानते नहीं, वो इस बात को जानते नहीं हैं और इसलिए वो गलत काम करते हैं। तो ठीक है अज्ञान में, हम ज्ञानी होते हैं इस बारे में जानते हुए भी हम धर्म में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हमारी धर्म शक्ति बड़ी कमज़ोर। और जो आदमी धर्म में खड़ा होता है वो सबसे शक्तिशाली मनुष्य होता है। पैसे से आपके अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं आ सकती। मैंने ऐसे ऐसे पैसे वाले देखे हैं कि जो लड़खड़ाते हुए खड़े रहते हैं, इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया, इनकम टैक्स वाले आने वाले हैं, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, मेरा लड़का पैसे लेके भाग गया, मेरी बीवी भाग गई, फलाना हो गया ठिकाना हो गया। सत्ता से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, सत्ता से आदमी इतना निर्बल हो जाता है क्योंकि दूसरों के हाथ में पड़ गया। दूसरे जब तक उसे सत्ता नहीं देंगे वो लड़खड़ाता खड़ा रहता, भैया मेरे को वोट दो, मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, जूते तुम्हारे उठा लूंगा। किसी भी चीज से मनुष्य सबल नहीं हो सकता सिवाय आत्मा के, आत्मा ही आपको समर्थ कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उसमें आपके अंदर धर्म स्थापना होगी। और धर्मी की स्थापना करने के लिए मंदिर मस्जिद और चर्च बनाने से होगा नहीं,
अपने मंदिरों का हाल सुनिए तो भगवान बचा रखे, और चर्च का हाल मुझसे पूछिए आप, और मस्जिदों का हाल उनसे पूछिए जो मस्जिद में बैठ करके और गलत गलत सलाह करते, मंदिरों में बैठ करके बंदूकें चलाते। ये लोग धर्म को जानने वाले नहीं हैं, अधर्मी, धर्म के नाम पे महा अधर्म कर रहे हैं। और आज हम ही इस बात को कह सकते, दूसरों की हिम्मत नहीं इस बात को कहें कि ये धर्म नहीं, धर्म मानवता का धर्म है। उसमें ये नहीं कि आप जाकर के चार लोगों को बटोर के लाइए और मिशनरी जैसे उनके खाना पीने को दीजिए और अपने लिए बड़े बड़े नोबल प्राइज, ये धर्म नहीं। धर्म वो है जहाँ मनुष्य अपने जीवन को संतुलन में रखता है, उसमें पूरा संतुलन हो जाता है, जहाँ वो प्रेम के धर्म में बसा हुआ रहता है, वो सहज में ही सारा कार्य करता है। कोई सी भी उसके अंदर से अगर ऐसी क्रिया घटित हो जाए जो बहुत ही अभिनव हो, उसके प्रति कोई भी उसे गर्व नहीं होता, ऐसा ही आदमी हम कहेंगे धर्म में होता है। पर आप कहेंगे माँ ऐसे आदमी आएंगे कहाँ से, तो बात ठीक है, ऐसे धर्म के आदमी कहाँ से आएंगे। जैसा मैंने कल कहा कि मार्क्स ने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यहाँ स्टेटलेस हो जाए, स्टेट न रहे, ऐसे लोग होना चाहिए कि जो आपस में इतने प्रेम से रहे कि कोई झगड़ा ना हो। सबसे ज्यादा डिवोर्स तो वहीं होते हैं जहाँ मार्क्सवाद चल रहा है, तो क्या गलती हो गई वहां पर, जो कि इन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्टेट बनाएंगे वो नहीं बना पाए। इसकी वजह यह कि वहां धर्म नहीं है, वहां धर्म नहीं है। और धर्म हमारे अंदर स्थापित करना बहुत ही आसान चीज है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो हमारे नाभिक चक्र में जब कुंडलिनी आती है तो उसके प्रकाश से हमारे अंदर आपो आप धर्म जागरूक हो जाता है। अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी धर्म में उतर जाता है, पर जो मनुष्य अंदर से धार्मिक है उसके लिए कुंडलिनी का जागरण बहुत ही आसान है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो धर्म के नाम में अनेक गलतियां कर जाते हैं, वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं। जैसे ये बता रहे थे, हमने ऐसे बहुत सारे देखे, विलायत में भी देखे और यहाँ भी देखे हैं, जो कि गुरुओं के चक्कर में घूम पड़ते और उसमें पैसा देते हैं और उनके चरण छूते हैं और उनसे सोचते हैं कि भाई अगर हमारा गुरु जाएगा स्वर्ग में तो हमें भी साथ ले जाए, लेकिन वो तो नर्क में जा रहे हैं और उनके साथ सभी नर्क में जाने वाले। उसके लिए पैसा देकर क्या आप नर्क जा रहे हैं? एक बात आपको जान लेना चाहिए कि कोई सा भी गुरु जो रुपया पैसा मांगता है वो सद्गुरु नहीं। आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते, आप कुंडलिनी को पैसा दिखाकर जागरूक नहीं कर सकते। वो वही चीज़ है जो मनुष्य कर सकता है कि वो पैसे से लुभा सकता है लोगों, लेकिन कुंडलिनी एक जीवंत शक्ति है, शुद्ध इच्छा है, और कोई सा भी शुद्ध मनुष्य पैसे से जीता नहीं जा सकता, ना खरीदा जा सकता।